टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रहे मुनाफ पटेल का आज जन्मदिन है, लेकिन मुनाफ पटेल की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, यहां तक कि मुनाफ पटेल ने खुद कभी नहीं सोचा था कि वो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाएंगे। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, कैसे एक 35 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाला लड़का टीम इंडिया के लिए खेल गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुनाफ पटेल, भारतीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी की पहचान तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के लिए रही, लेकिन इनका करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि लगातार लगती चोटों ने इन्हें ज्यादा लंबा नहीं खेलने दिया। घरेलू क्रिकेट में इस गेंदबाज को भरूच एक्सप्रेस कहा जाता था। मुनाफ पटेल को घरेलू क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों के रूप में पहचान मिल रही थी। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले भी नहीं थे जब उन्हें ये नाम दिया गया था। आज इन्हीं मुनाफ पटेल का जन्मदिन है। 1983 को गुजरात के भरूच के इखर गांव में इनका जन्म हुआ। मुनाफ पटेल बेहद गरीब परिवार से आते थे, जिसकी वजह से उन्हें 9वीं क्लास में क्रिकेट खेलना छोड़ना पड़ा। वो छुट्टियों में टाइल की फैक्ट्री में काम किया करते थे, जिसके लिए उन्हें एक दिन में 8 घंटे काम करने के लिए सिर्फ 35 रुपए मिलते थे। एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे की नजरें मुनाफ पटेल पर पड़ी। मुनाफ पटेल को नेट्स में गेंदबाजी करते देख किरण मोरे हैरान रह गए और उन्होंने सीधा मुनाफ पटेल को MRF पेस फाउंडेशन भेज दिया। चेन्नई में मुनाफ पटेल ने डेनिस लिली के अंडर ट्रेनिंग ली। जल्द ही उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे तेज गेंदबाज कहा जाने लगा। उन्होंने बड़ौदा या गुजरात के बजाय मुंबई के लिए क्रिकेट खेलना पसंद किया। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें मुंबई के लिए खिलाने में अहम भूमिका निभाई। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों से बात कर मुनाफ पटेल को मुंबई से खेलने के लिए मनाया। पटेल का फर्स्ट क्लास करियर लगातार पटरी से उतरता रहा। उन्होंने खेल के मैदान पर वक्त बिताने के बजाय चोट से उभरने में ज्यादा वक्त बिताया। मुनाफ का कद बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन शरीर काफी मजबूत था। क्रीज पर पहुंचते ही वो रफ्तार हासिल कर लेते थे। शुरुआत में वो सिर्फ तेज रफ्तार पर ध्यान देते थे, इसी ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने अपने तरकश में रिवर्स स्विंग और यॉर्कर जैसे तीर भी जोड़े। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेलते हुए मुनाफ पटेल ने 91 रन देकर इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए। इसके बाद उन्होंने मार्च 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। अपने पहले मैच में ही मुनाफ पटेल ने 97 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। ये डेब्यू पर किसी भारतीय तेज गेंदबाज का बेस्ट प्रदर्शन था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगली सीरीज में उन्होंने खुद को टीम इंडिया के एक रेगुलर सदस्य की तरह स्थापित कर लिया। गिरती गई मुनाफ की रफ्तार। लगातार चोटिल होने के सिलसिले की वजह से मुनाफ पटेल की रफ्तार गिरती चली गई। वो शुरुआती पेसर के बजाय बैकअप सीमर बन गए। धीरे धीरे उन्होंने टेस्ट टीम में अपनी जगह खो दी। 2011 वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में चुना गया। उन्हें तीसरे सीमर के तौर पर जगह मिली। वो भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे। उनसे ज्यादा विकेट जहीर खान और युवराज सिंह ने लिए। पटेल ने 11 विकेट अपने नाम किए। बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने उन्हें वर्ल्ड कप का छुपा रुस्तम भी करार दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News24 स्पोर्ट्स।